आज के इस लेक्चर में हम लोग पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। किसी पोलर डाइपोल और किसी नॉन पोलर डाइपोल का पोलराइजेशन क्या होता है। अगर हम किसी पोलर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये सारी चीजें आज हम बताएंगे। जब किसी पोलर डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, अगर हम किसी नॉन पोलर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, इन दोनों सिचुएशन के साथ हम क्या डिस्कशन करेंगे उसको लेके चलेंगे। इसी के बाद कुछ यहाँ पर टर्म्स है जिसका नाम है पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है, और हम बात करेंगे ससेप्टिबिलिटी की, पोलराइजेशन वेक्टर की बात करेंगे। एक दो टर्म यहाँ पर है, उन टर्म को पढ़ना जरूरी है। और इसी पोलराइजेशन आर्टिकल में एक हमारे पास रिलेशनशिप है ससेप्टिबिलिटी और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में, उसको भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में कई बार पूछी गई है, ठीक है बेटा। तो अब जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को बार बार लीव ना करें, 16 बच्चे कम से कम मेरे को चाहिए, 16-17 बच्चे, ठीक है। अमित का, सत्यजीत का, ये दो मैसेज तो मेरे पास आ चुके हैं, 16 और 2 18 20 तो हो गए हैं, ठीक है। जिनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका ठीक है, क्लास बार बार लीव मत करें बेटा। हर्ष रोज क्लास बार बार लीव मत करो, जल्दी आया करो। अभी आया ना, टाइमिंग क्या है बेटा आने की? क्या हो, चल रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में बात करेंगे। और भाई जो भी बच्चे हैं टाइम पर आया करो, रेगुलर आया करो, ठीक है भाई। चलो तो अब हम बात करेंगे पोलराइजेशन की। क्या बात करेंगे? पोलराइजेशन, किसी भी नॉन पोलर को पोलर बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। किसी भी नॉन पोलर को, नॉन पोलर मतलब जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग जगह पर हो, नहीं, जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर हो, है ना। आपको मैंने देखो दो टाइप के मॉलिक्यूल बताए थे, एक तो हमारे पास होता है बेटा पोलर मॉलिक्यूल, और एक हमारे पास होता है नॉन पोलर। इन दोनों में फर्क मैंने आपको बताया था। जो मेरा बेटा पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके पॉजिटिव पार्ट का और नेगेटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं। मान लो ये कोई इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर है और नेगेटिव पार्ट इसका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके पॉजिटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर आएगा और नेगेटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कौन सेपरेटेड है बेटा? पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का। पर अगर हम बात करें नॉन पोलर की, जैसे मान लो ये एटम है, एटम के सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस, और चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। अगर मैं इस पॉजिटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालू और इस नेगेटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालू तो दोनों के दोनों सेम ही पोजिशन पर आएंगे। दोनों के दोनों मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बिल्कुल बीच में। पॉजिटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ लाई करेगा? बीच में। मतलब हम बोल सकते हैं इसमें पॉजिटिव पार्ट का और नेगेटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होता है। तो ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हो गया बेटा? ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। जो डिफाइन हम कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग अलग जगह पर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग अलग जगह पर होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं बेटा हम पोलर मॉलिक्यूल्स। और जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होता है उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। याद रखना बेटा, देखो हमें पता है डाइपोल मोमेंट इसको डिनोट करते हैं पी से। पी का फॉर्मूला होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a, ये फॉर्मूला होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड है, इस डिस्टेंस को हम 2a बोलते हैं, मतलब 2a की वैल्यू कुछ ना कुछ है, चार्ज तो है ही, 2a भी कुछ कुछ है, तो p की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, p की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो p की वैल्यू जीरो नहीं होती कौन से मॉलिक्यूल के अंदर बेटा? पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। पर अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, इसका पॉजिटिव पार्ट भी वही है, नेगेटिव पार्ट भी वही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? जीरो।
इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। आप यहां से एक लाइन बोल सकते हो कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये बात समझ आ गई। अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। देखो क्या लेक्चर स्टार्ट होता है, इसी कहानी से हम आगे स्टार्ट करेंगे बेटा। इस पोलर मॉलिक्यूल को पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? सेम ऐसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो नॉन पोलर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके साथ क्या होगा? पोलर के साथ और नॉन पोलर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इसी फिनोमिना को हम पोलराइजेशन बोलेंगे। तो पहले हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, है ना। तो हमारे पास आर्टिकल का नाम सीधा सीधा बन गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलर मॉलिक्यूल, है ना, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पोलर मॉलिक्यूल, हमने एक पोलर मॉलिक्यूल बना दिया, पॉजिटिव पार्ट इस तरफ है बेटा और नेगेटिव पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस तरफ है, ठीक। ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट और ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए एक तरफ तो पॉजिटिव प्लेट लगा दो आप और एक तरफ क्या लगा दो आप? नेगेटिव प्लेट। ओह सॉरी, नेगेटिव लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है ना। अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे ना रख के ऐसे भी रख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मॉलिक्यूल हमारा ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पार्ट, तो अट्रैक्शन दिखानी है मुझे, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पार्ट। ये किसका सेंटर ऑफ मास है बेटा? ये सेंटर ऑफ मास है नेगेटिव पार्ट का, और ये किस सेंटर ऑफ मास है? ये सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव पार्ट। अब जैसे ही मैंने एक पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो देखो ध्यान से देखो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या चीज बढ़ेगी? क्या चीज बढ़ जाएगी बेटा? डिस्टेंस। इनके बीच की, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस 2a थी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा या घटेगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पी बराबर क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a। जैसे किसी पोलर मॉलिक्यूल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। जिस डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आप किसी पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? किसी भी पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर, क्या बोला था उसको? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन डेफिनेशन क्या होगी? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग, फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग दी डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो अभी कोई पोलर मॉलिक्यूल है, उसका डाइपोल मोमेंट आपके पास है 20 कूलम मीटर। आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उसका डाइपोल मोमेंट होगा 20 की जगह 40 हो गया, तो वो पोलराइज हो गया। क्या हो गया बेटा? पोलराइज। ऐसे ही हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर के साथ तो ये हो गया, अब नॉन पोलर को रखो उसका साथ क्या होगा वो भी देखो।
बॉलर की जगह पे क्या रहेगा बेटा? नॉन पोलर। ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इसके पास सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है और ये बिल्कुल बीच में इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और आपने इसको प्लेस कर दिया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या होगा बताओ, क्या होगा वरुण? इसके अंदर वरुण, इसमें क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज सारे किस तरफ शिफ्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ। और ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट होगा बेटा? नेगेटिव की तरफ। जैसे ही शिफ्ट होगा इसकी शेप कुछ ऐसी सी बन जाएगी। ये पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव इस तरफ। अब पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अब ये नॉन पोलर से क्या बन गया? पोलर। नॉन पोलर से क्या बन गया? पोलर। मतलब पहले इसके पास डाइपोल मोमेंट कितना था? जीरो। पर अब इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? इंक्रीज। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इस तरफ होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास इस तरफ होता जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस फिर से इंक्रीज होता जाएगा और फिर क्या बनेगा बेटा? डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बात छोटी सी समझ आता हूँ। ये देखो शायद आपसे एग्जाम में वो भी पूछे ना, पर आपको पता होना चाहिए। किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता है, और अगर आप किसी नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो नॉन पोलर का पहले तो क्या होगा बेटा? डाइपोल मोमेंट बनेगा। मतलब पहले तो वो नॉन पोलर से बनेगा क्या? पोलर। फिर धीरे धीरे उसको क्या बनेगा? डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। तो चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रख दिया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो पोलर मॉलिक्यूल का भी, पोलर का भी और नॉन पोलर का भी, दोनों का डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज। किस फील्ड में रख देंगे जब इसको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तो ये हमारे पास था पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब सुनो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? जो डाइलेक्ट्रिक्स, दोबारा से ध्यान से सुनना मेरे बच्चे सब लोग, ठीक है? कान के साथ साथ आपकी इमेजिनेशन पावर भी अच्छी से होनी चाहिए, ठीक है? क्लास में लेट ना आए तो बढ़िया रहोगी। सुनो, अगर जो मॉलिक्यूल, सॉरी, वो डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिन डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। और वो डाइलेक्ट्रिक जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर है वो कहलाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। या तो आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा या आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। दोनों को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस दोनों के मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड होते हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और एक छोटी सी बात, डाइपोल किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो बाहर वाले से कम होगा। मतलब डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो ये हमने बात करी पोलराइजेशन की। अब एक टर्म आती है बेटा, देखो उस टर्म का नाम है पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन डेंसिटी। समझते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी को? पोलराइजेशन, ये दो तीन टर्म है मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है? इसको कई बार ना सिर्फ पोलराइजेशन भी बोल देते हैं। तो आप चाहे पोलराइजेशन डेंसिटी बोलो चाहे पोलराइजेशन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? इसको डिनोट करते हैं बेटा पी से, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और उसके ऊपर वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? मान लो कोई भी डाइलेक्ट्रिक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक है, इसको मैंने प्लेस कर दिया किसके अंदर बेटा?
इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक जो है ये भाई साहब पोलर भी हो सकता है और ये डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर भी हो सकता है, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर। नेगेटिव पॉजिटिव तो अलग अलग होंगे ही, ठीक है, इनका डाइपोल मोमेंट बनेगा। इसका अभी डाइलेक्ट्रिक की बात करें, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। डाइपोल मोमेंट कितना है? जीरो। पर जैसे इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट बना, इसके अंदर क्या बना? डाइपोल मोमेंट बना, क्योंकि यहां पर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव, और यहां पर चार्ज क्या आ गया हमारे पास? पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्या सेटअप हो गया? डाइपोल मोमेंट। मतलब क्या हुआ? अगर हमने किसी डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया किसमें बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या रख दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उस डाइलेक्ट्रिक का के अंदर क्या सेटअप हो गया? उसके अंदर सेटअप हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या सेटअप हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट होंगे, और उसका डाइपोल मोमेंट या तो जीरो से इंक्रीज होगा या फिर जो है मैक्स डाइपोल मोमेंट उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सुनो, तो डाइलेक्ट्रिक को जब मेरे बच्चे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना। वहीं से डेफिनेशन निकल कर आती है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? इट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड का मतलब इंड्यूस क्यों लिखा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको इंडक्शन की वजह से बना है डाइपोल मोमेंट। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? पोलराइजेशन डेंसिटी। इसके अंदर डाइपोल मोमेंट बना है, पूरी बॉडी में कितना ही बना हमें उससे मतलब नहीं है, एक यूनिट वॉल्यूम ले लो इसके अंदर। इसकी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना डाइपोल मोमेंट सेटअप हो गया है, उस डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसी भी डाइलेक्ट्रिक में। मान लो ये वो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसके अंदर एक यूनिट एरिया बनाओ, सॉरी एक यूनिट वॉल्यूम बनाओ, उस वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट बनेगा? वो डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या होगा? उस डाइपोल मोमेंट को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन डेंसिटी या फिर पोलराइजेशन बोल दें। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन डेंसिटी, इसको डिनोट कर रहे हैं हम किससे? कैपिटल वेक्टर पी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ये चीज हो गई हमारे पास, क्या चीज हो गई बेटा? पोलराइजेशन डेंसिटी। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना? समझ आया नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? यस और नो? क्लास में चार पांच बच्चे को रिप्लाई करो, फिर आगे चल। नहीं आया? अच्छा ठीक है, चलो अब एक और लाइन लिख रहा हूं मैं। पहले तो इस लाइन का मतलब समझेंगे, फिर इस लाइन को प्रूव करेंगे। जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है ना, उस पोलराइजेशन डेंसिटी की जो ना उसकी वैल्यू हमारा किसके बराबर होती है? उसकी वैल्यू होती है हमारे पास दी इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। पहले तो इसका मतलब समझेंगे, क्योंकि तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह यूज होने वाली है। तो और यूज कहाँ होने वाली है? 3 नंबर का काम है आपके, समझ लो 3 नंबर की प्रिपरेशन चल रही है ये।
डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन होता क्या है, पोलर के साथ नॉन पोलर के साथ, और पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, और इससे रिलेटेड 3 4 टर्म और है, ये सब आपको 3 नंबर का प्रिपरेशन देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले लाइन लिख रहा हूँ मैं, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद भी करना है और समझना भी। जो पढ़ा है हमने क्या, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड सरफेस, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, इसी के बारे में बात करेंगे। क्या क्या मतलब होता है, इसको लिखना चाहे ना लिखेंगे, पी बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी नोट करते सिग्मा से, और सिग्मा पी का मतलब है इंड्यूस, तो पी किसके बराबर होगा, सिग्मा पी। इसको समझते हैं क्या चीज़, पोलराइजेशन डेंसिटी तो मुझे पता है, पोलराइजेशन डेंसिटी इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात करते हैं बेटा इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो सुनो, दोबारा से लेते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट, ठीक है, इसको हम लोगों ने इसके बीच में दिया डाइलेक्ट्रिक। अभी एक क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा, आपको बताना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन की वजह से यहां पर चार्ज आएगा कौन सा, नेगेटिव, और यहां पर चार्ज कौन सा आएगा बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक वाले केस में, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन ये है, जो इस वाली प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है और जो इस वाली सरफेस पर, सरफेस मतलब डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों में से चार्ज कहां पर ज्यादा होगा, इस वाले प्लेट पर चार्ज ज्यादा होगा या इस वाली प्लेट पर चार्ज ज्यादा होगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे, इस वाले पोर्शन पे चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी या इस वाले पोर्शन पे चार्ज की वैल्यू, गरिमा बोल रही है, और कोई बच्चा, थोड़ा सा और माइंड लगा, मैंने पहले बोला कि इसके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंड्यूस से कम होता है, इक्वल कब होगा, जब ये कंडक्टर होगा, तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो। अंदर चार्ज ज्यादा है बाहर चार्ज ज्यादा है, बाहर प्लेट पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और जो चार्ज यहां इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, ठीक है। तो जो प्लेट पर चार्ज है उसको तो, जो प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको तो बोल रहा हूं मैं सिग्मा, और जो अंदर डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर चार्ज डेंसिटी है उसको बोल रहे सिग्मा पी, जिसका नाम है क्या, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बताई बात यही, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके सरफेस पर जो चार्ज डेवलप होता है उसके चार्ज की वजह से जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी को बोलते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्या चीज बता रहा हूं बेटा, जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो किसके बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ कर देंगे, देखो कैसे करना है स्टार्ट। पोलराइजेशन डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट
अपॉन में वॉल्यूम, यस और नो? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम। अब बात करते हैं, देखो इस पे जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है ना, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, है ना। तो इंड्यूस चार्ज, ये जो चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है इसको बोलते हैं माइनस का क्यूब, यहाँ पर जो इंड्यूस होगा उसको बोलते हैं प्लस का क्यूब। तो इंड्यूस चार्ज कितना हमारे पास, प्लस का क्यूब या माइनस का क्यूब, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं, मान लो डिस्टेंस डी ले, है ना। अगर हम डाइपोल की डाइलेक्ट्रिक की शेप ऐसी ना लेकर ऐसी ले ले तो इजी हो जाएगा आपके लिए। आपने डाइलेक्ट्रिक ऐसा रख लिया, यहाँ पर चार्ज आके कौन सा नेगेटिव, यहाँ पर चार्ज आके कौन सा बेटा पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं हमने इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, है ना। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई माइनस क्यू, ये चार्ज कितना होगा प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हमने डी। तो क्यू मल्टीप्लाई बाई डी, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्या है हमारे पास, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला क्या था, चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो डाइपोल मोमेंट बन जाता है। बात समझ में आई ये तक, ठीक है। उसके बाद बटे में वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, देखो इस वाली प्लेट का एरिया ले लिया ए, डिस्टेंस कितनी है इसकी डी, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये होता है वॉल्यूम। डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, क्या बच गया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सिग्मा ई प्रूव कर रहा था। तो जो पी की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है बेटा, सिग्मा, एस्पेक्ट आगे याद कर लो इसको, डिपोलराइजेशन डेंसिटी, डिपोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू द, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू द, किसके इक्वल होती है बेटा बताओ, द सरफेस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर होती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम आगे पढ़ पाएंगे, इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर आगे डिस्कशन कर पाएंगे। नंबर वन पॉइंट, भाई हमारे पास डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो बाहर वाले से कम होता है, पहला पॉइंट। कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो उतना ही कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल जीरो हो जाता है, दूसरा पॉइंट। डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर, जिनके मॉलिक्यूल्स पोलर से बने हुए हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और जिस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल नॉन पोलर से बने हुए हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, आप उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दोनों का डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो इंक्रीज हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। नंबर थर्ड पॉइंट, पोलराइजेशन क्या होती है, प्रोसेस किसी भी पोलर या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बढ़ाना क्या कहलाता है बेटा, पोलराइजेशन डेंसिटी, सॉरी क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। अब हमने बात पढ़ी थी उसके बाद पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, पोलराइजेशन डेंसिटी किसी भी डाइपोल मोमेंट, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट सेटअप होता है उस डाइपोल मोमेंट को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, क्या बोलते, सॉरी उसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी इज द डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट एट पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखते हो तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस्ड होता है, तो जो उसकी चार्ज डेंसिटी है उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, जो आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर चार्ज डेंसिटी, उसको बोलते हैं सिंपली चार्ज डेंसिटी। तो उसकी जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है वो उसी की पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होगी, ये हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब कल का आर्टिकल आपको क्या होगा वो सुन लो, कल पढ़ेंगे एक टर्म, जो टर्म और उससे अगला आर्टिकल आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं कल वो वाला आर्टिकल पढ़ाऊंगा साथ साथ वो वाला भी पढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप स्टार्ट कर दूंगा तो कल मुझे फिर दोबारा से वो बनाना पड़ेगा आपको। आर्टिकल का नाम है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस का अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होना होने देना,
ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, कितना ससेप्टिबल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमारे पास कल का है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, मैक्सिमम आपके 3 या 4 डेज और हैं, मान के चलो कैपेसिटर पर लगेंगे मैक्सिमम। एक सुमित ने क्वेश्चन पूछा, सुमित कहाँ है, सुमित ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, वो था कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे, है ना, जिसमें एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और डायगोनली दो डाइलेक्ट्रिक डाले हुए थे K1 और K2। ये सुमित, हाँ ये क्वेश्चन मैं तक होता पढ़ाऊंगा जब मैं डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक पढ़ा दूं। ठीक है, अभी मैं उस आर्टिकल पे आया नहीं, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने पर उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कैसे करना उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं करा दूंगा, टेंशन ना ले, अभी उस पर पहुंचे नहीं हूं। और बच्चा कोई डाउट किसी को, जा सकते हो, क्लास लीव है।